हेलो एंड नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वुमेन्स डे स्पेशल श्रृंखला में जो बीसीएन न्यूज़ की ओर से आ रही है। मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस तरीके से ये श्रृंखला चल रही है, अब तक हमने बहुत ही प्यारी प्यारी ऐसी वुमनियाओं की बातें आपको बताई जिनकी स्टोरीज ने हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया, साथ ही इंस्पायर भी किया। और अब इसी श्रृंखला में हमारे साथ है एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्मिंग बिंदास वुमनिया, साथ ही हम कह सकते हैं एक बिजनेस वुमनिया, जैन गायगोरे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्टेस्ट वेलकम। और कहीं ना कहीं शीनल जी के बारे में जब बताना चाहूँ तो अरबन नुक्कड़ आपने सुनाई होगा हमारे नागपुर में, जो बहुत ही ज्यादा ख्याति प्रारा है, उसी की कर्ता धरता है ये है। बहुत बहुत स्वागत है शीनल जी आपका। थैंक यू दर्शन। शीनल जी, कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। मतलब बता दूं दर्शकों को कि शीनल जी वैसे तो आर्किटेक्चर है पेशे से, पर वो कहते हैं ना मल्टीटास्कर होता है इंसान, कुछ ऐसी ही है हमारी शीनल जी। और अभी हम उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये आर्किटेक्चर से फिर अर्बन नुक्कड़ का प्लानिंग हुआ, इन सारी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं हर किसी के लाइफ में ना जीरो से शुरुआत हर किसी की होती है। मैं जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी के बारे में, मतलब दर्शक को बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही, क्या बताएंगे आप? दिशा, बेसिकली जर्नी एक्चुअली हर जगह ज़ीरो से शुरू होती है, मेरी भी ज़ीरो से ही शुरू हुई। बट ये शुरुआत जो है वो बचपन से ही मन में हो गई थी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, एक्चुअली आई बिलोंग टू अ जैन मारवाड़ी फैमिली, टिपिकल जैन मारवाड़ी फैमिली, तो और इन दैट टू फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक गोंदिया। तो वहाँ पर मैं हमेशा देखती थी कि औरतें सिर्फ घर पर ही होती है और उनको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता, बहुत हुआ तो शाम को कहीं हस्बैंड के साथ ही, ज्यादा बाहर एक्सपोजर नहीं, बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिलता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात बचपन से खटकती थी कि क्यों नहीं जाती है बाहर। मैं इनफैक्ट अपनी भाभियों को भी बोलती थी कि आप लोगों को अच्छा लगता है क्या सिर्फ घर पे ही रहना, सिर्फ घर के काम करना, घर के काम करना इज नॉट रॉन्ग, बट सिर्फ वही करना मुझे हमेशा से गलत लगता रहा। तो वो दिमाग में बैठा हुआ था और मुझे था कि मुझे कुछ करना है एंड आई डू समथिंग, वो बचपन से ही मुझे फील होने लग गया था। ओके, फिर आपने शीतल जी कैसे सोचा कि आपको आर्किटेक्चर में मतलब पढ़ाई करनी, कि पहले से बेसिक इंटरेस्ट था या फिर? यस, मुझे एक्चुअली डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी, इसमें मेरा पहले से ही पैशन था। मुझे कुछ भी डिज़ाइन करने दे दो, मुझे आई लव टू डिज़ाइन। मुझे किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेबल बनाना और डिज़ाइन करना, क्रिएटिव करना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे आर्किटेक्चर फील, लकीली गोंदिया में बहुत अच्छा आर्किटेक्चर कॉलेज था। अच्छा। तो हाँ, मुझे वहाँ एडमिशन मिला, मुझे एडमिशन तो बाहर भी मिल रहा था, नागपुर VNIT में मिल रहा था उस टाइम पे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट बिकॉज ऑफ फैमिली ये मुझे आने नहीं मिला था कि गर्ल्स अच्छा। बाहर नहीं जानी है। तो बहुत लड़ झगड़ के मुझे आर्किटेक्चर में वहाँ पे एडमिशन मिला एंड वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और वो धीरे धीरे चीज़ों में था और ज़्यादा इंटरेस्ट आते चला गया और मैं करती गई। आर्किटेक्चर कंप्लीट होने के बाद शादी हो गई, शादी भी बहुत जल्दी करनी थी, एज मारवाड़ी फैमिली में थे सब चीज़ें, तो मेरी लव मैरिज हुई। बट एंड लकीली मुझे ऐसा बंदा मिला जो जिसके मन में वुमेन्स के लिए रिस्पेक्ट है, समझते हाँ अच्छे से, यानी वो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि ये वुमेन का काम है ये मेन का काम है, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, आज भी नहीं होता, टच वुड, आई एम वेरी लकी इन दैट केस। तो वो सपोर्ट और वो चीज़ें बहुत अच्छी रही कि मुझे कुछ करना है और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला कि यू हैव टू डू समथिंग। शीतल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आप बाहर गई पढ़ने के लिए, तो फिर वहाँ पे जाके व्हाट वाज द फीलिंग लाइक, क्या ऐसा लगा कि सितारों के जहाँ आगे और भी है, मतलब ऐसा कुछ खुला आसमां, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए? यस यस, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, वो तो मुझे अभी भी लगता है, अभी भी देयर आर मेनी प्लान्स जो मुझे करने हैं, जो मेरे टारगेट्स में है, और बहुत कुछ है एक्चुअली वुमेन्स के लिए करने के लिए, बस दिल में इच्छा होनी चाहिए। ओके, जिस तरीके से मतलब मैंने दर्शकों को बताया कि आर्किटेक्चर आप है, उसके बाद कैसे आपने सोचा कि अर्बन नुक्कड़ इसकी शुरुआत होनी चाहिए? आर्किटेक्चर में हम मेरी आर्किटेक्चर एज एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, हम मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे किए, लकीली अच्छे प्रोजेक्ट्स आते गए एंड एक वेल सेटल्ड लाइफ चल रही थी, अच्छा खासा, मतलब ब्रेड एंड बटर के लिए भागना नहीं पड़ रहा था, इट वॉज सेटल्ड, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई, अच्छे काम किए, नागपुर में काफ़ी रनाउंड प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए, नागपुर चंद्रपुर रायपुर गोंदिया, हम करते अच्छी सारी चीज़ें, अच्छे हाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए, तो ब्रेड एंड बटर के लिए भागना नहीं था।
और फिर चीज़ों में जब मेरे किड्स हुए, बेटे से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली, बेटे का जब स्कूल का टिफ़िन मैं बनाने लगी तो ये इंस्पिरेशन आई, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद. मुझे पर्सनली खाना बनाना कभी बहुत अच्छा नहीं लगा था, बट बेटे से वो इंस्पिरेशन मिली कि मम्मा आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, यू शुड सेल इट. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को जब इतना पसंद आता है, उसकी डिमांड्स आती थी कि मम्मा ये बना कर दो, मुझे ले जाना है, क्वान्टिटी में लेके जाना है. तो फिर ये उसने मेरे दिमाग में डाला एंड आई प्लान की नहीं कुछ करना है. एंड वी स्टार्टेड जगह ढूंढना शुरू किया. लकीली ऑफिस के नीचे ही अच्छी स्पेस मिल गई और वहाँ पे हमने अर्बन नुक्कर स्टार्ट किया. ओके. एंड अर्बन नुक्कर उस तरीके से आया पिक्चर में एंड आगे भी और प्लान्स हैं अर्बन नुक्कर के एक्सपेंशन. शीनल जी, कहीं ना कहीं अर्बन नुक्कर जो है शहर में बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है, बहुत लाइक सिर्फ युवा नहीं बट एक्चुअली फैमिली के लिए भी एक बहुत ही हैप्पी प्लेस है. आर्किटेक्चर इसका जो ऑब्वियसली आपने डिज़ाइन किया होगा, उसके साथ ही खाना भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लजीज मिलता है. तो कहीं ना कहीं जब आपने इसकी शुरुआत की होगी बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, मतलब बहुत ही सारी. मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से फिर आपने टैकल किया इस बारे में. सी, दिक्कत तो हर आर्किटेक्चर में भी बहुत आई थी. मतलब दिक्कत इस तरीके से आई थी कि मेरे करने में दिक्कत नहीं थी बट लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती थी कि एक वुमेन इज वर्किंग. लोगों के कमेंट्स ऐसे आते थे कि लड़की है, फाउंडेशन के गड्ढे में कैसे उतरेगी, कैसे करोगी, कैसे करोगी. मतलब हर जगह एक तरीके का, बट ऐसा हर कोई नहीं करता था. देयर आर सम पीपल जो सोसाइटी में है ना, सपोर्ट करने वाले इनफैक्ट शायद ज्यादा होंगे, बट देयर आर सम पीपल जिनके कारण वुमेन्स को सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसा पता चलता है. जो लोग हमेशा डिस्करेज करते हैं कि कैसे कर सकता है, या वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके लेवल पे वो वुमेन काम कर रही है, ऑर्थोडॉक्स वाली सोच. तो दैट्स व्हाई वो डिस्करेज करते रहते हैं. बट एज अ वुमेन मैंने कभी वो डिस्करेजमेंट नहीं लिया एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज कि अगर मुझे किसी ने बोला है तो मुझे, वैसे भी वो चीज बहुत फाइटर स्पिरिट मेरे मन में पहले से ही था बचपन से, तो कि मुझे करना है, नहीं बोला है तो मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी. तो उस वे से ही मेरा आर्किटेक्चर प्रैक्टिस बहुत सेटअप अच्छा हुआ. जिन लोगों ने ये बोला था आज वो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि वो चीज़ें हुई एंड आई वर्क्ड हार्ड फॉर दैट, नो डाउट. सेम वे अर्बन नुक्कड़ जब स्टार्ट हुआ तो बहुत बड़ा हर्डल था, बिकॉज अर्बन नुक्कड़ का इनॉग्रेशन डेट 22 मार्च था, विच वॉज जनता कर्फ्यू जिस दिन अनाउंस था. तो हमारा ओपनिंग शॉर्टली का बोर्ड जो है वो 3 महीने तक वहाँ लगा रहा एक्चुअली. तो दैट वाज बिगेस्ट हर्डल. और फिर ऑनलाइन भी स्टार्ट करना एक न्यू स्टार्टअप के लिए डिफिकल्ट टास्क है, बट वी स्टार्टेड. धीरे धीरे पब्लिसिटी हुई, जो लोग खाने लगे वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स आने लगे, तो वी फेल्ट गुड. कि एंड मेनली अर्बन नुक्कड़ में 2 चैलेंजेस थे. एक वन वॉज कि इट्स अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, एंड नागपुर में अगर प्योर वेज रेस्टोरेंट खोलना, इट इज अगेन इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि यहाँ साउजी वाले लोग ज्यादा है. बट लोगों ने बहुत पसंद किया हमारा फूड एंड वी आर वेरी हैप्पी नाउ. कि एंड उसी के कारण नाउ वी आर मूविंग, एक हमारा बड़ा सेटअप आ रहा है वर्धा रोड पे, गार्डन रेस्टोरेंट वी आर ओपनिंग. इट विल बी फर्स्ट नागपुर प्योर वेज गार्डन रेस्टोरेंट. वहां पे वी आर प्लानिंग पब एंड ऑल एवरीथिंग. अच्छा शीनल जी, एक बात पूछूं, मतलब ऐसा कुछ है कि आपको हर चीज सबसे पहले करनी होती है? मतलब अगर कैफे या रेस्टोरेंट खोलना है वेज वाला, पहले खोलेंगे. गार्डन रेस्टोरेंट खोलना है, घर के बाहर किसी को जाना है लड़कियों में से, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी, सारी चीजें पहले मैं पहले तो नहीं बोल सकती कि मुझे करना है. हाँ, बट सबसे अलग करना है, ये मेरी चाह रहती है हमेशा. ओके. कुछ अलग करना है पहले तो. अब चीजें एक्चुअली होती आ रही है, पहले हर चीज में पहले मैं हूँ ऐसा नहीं होगा, बट आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट. आपको समझ में आना चाहिए, आई वॉन्ट दैट आइडेंटिटी, उसके लिए काम करना. मुझे हमेशा से लगता था कि वुमेन्स की खुद की आइडेंटिटी होना चाहिए, ये इसकी वाइफ या इसकी बेटी ऐसे बोल के ना पहचाना जाए. खुद की आइडेंटिटी हो और वो एक्चुअली आपकी, मतलब लोग अभी आपको एक्चुअली शीनल जो है उस नाम से जानते हैं. शीनल जी, और एक सवाल था आपसे कहीं ना कि जब आपने ये शुरुआत की थी तो कभी आपने सोचा था कि आप ये सारी चीजें करेगी, या फिर पहले से ऐसा था कि दिमाग में है कि कुछ तो भी बड़ा करना है? नहीं, दिमाग में इतना इजीली, मतलब इजीली तो नहीं बोलूंगी मैं, बट बिकॉज आई टेक लाइफ एज इट कम्स, तो मुझे हर्डल्स भी आए तो आई टेक इट एज अ चैलेंज. मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे चाहिए, मतलब मुझे बहुत फ्रीली और इजीली सब मिल जाए, वो नहीं चाहिए. बिकॉज अगर किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता तो मुझे मजा ही नहीं आता. तो वो मेरी लाइफ शुरू से वैसी ही रही है कि स्ट्रगल करके ही मिला है, तो आई लाइक दैट, नाउ आई लव दिस.
तो मुझे प्लान तो था मेरा है और कि बहुत कुछ करना बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ मल्टी बिजनेस वूमन. मेरा ऐसा नहीं है, लोगों ने मुझे बोला आर्किटेक्चर से क्यों एकदम रेस्टोरेंट डाइवर्सिफिकेशन की, मैंने बोला दिस इज नॉट अ डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज एन एडिशन, और चीजें और भी पाइपलाइन में है जो आई एम गोइंग टू एड. ओके शीतल जी, ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपका इतना सादा, मतलब आप मल्टी टास्कर है, कहीं ना कहीं कोई तो इंस्पिरेशन होगा जिनके जिनको सोच के, जिनको देख के, जिनके बारे में सुनकर आपको ऐसा लगता है यार इनके जैसा करना है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. यस इट इज, एंड काफ़ी बड़े ये धीरू भाई अंबानी हैं एक्चुअली, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी और मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जब इतनी, एक टेक्सटाइल मिल भी हो सकती है, वेजिटेबल में भी हो सकता है, पेट्रोल में भी हो सकता है, तो इट्स ओनली द मैनेजमेंट. वो बंदा खुद आके हर जगह हर चीज़ नहीं कर रहा, बट उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग है. तो मुझे ऐसा लगता है एज अ वुमेन, और हर वुमेन की मुझे फील होता है कि मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो घर और बाहर अच्छे से मैनेज कर पाती है, प्रॉपरली कर पाती है. तो मुझे लगता है कि जो मैनेज कर सकता है, और वो इंस्पिरेशन मुझे उनसे ही मिलेगा. मेरा वही टास्क है कि आई वांट टू बी अ मल्टी बिजनेस वूमन, और बाय गॉड ग्रेस मैं चीजें ऐड करने में मुझे मिले वो सक्सेस. आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर इट. ओके शीतल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका लिंक ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है, और भी ऐसे अचीवमेंट्स आपके नाम है, दर्शकों को बताना चाहते हैं. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे बेटे की तरफ से ही, जो इंस्पिरेशन थी बेटा होने के बाद में, जब मुझे समझ में आया कि यस आई एम अ गुड कुक, मुझे आता है अच्छे से खाना बनाना, तब तक तो पता था कि आता है बट मैं बहुत अच्छा करती हूँ ये मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था. बेटे से वो इंस्पिरेशन आई, फिर एक मौका आया कि हम लोगों ने JC's क्लब के साथ में पार्टिसिपेट किया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में. वी मेड 300 डिशेज ऑफ विथ पोटैटो, वेराइटी ऑफ डिशेज, तो उसमें आई गॉट बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड ऑल्सो. मैंने बोला मुझे डिजाइन कर फूड में भी, आई डिजाइन द सैलड्स, ब्यूटिफुल सैलड्स, और उसके लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड भी मिला था. एंड फाइनली वी रजिस्टर्ड आवर नेम इन दैट लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. मतलब जितना मैं आपके बारे में सुन रही हूँ और अच्छा हो रही है कि और सारी चीजें जानना चाहूँ. शीतल जी, एक सवाल जो, मतलब यूजुअली वुमेन्स डे पे बहुत भाषण होते हैं, कैन से स्पीचेस, बहुत लोग बोलते हैं कि महिलाओं को ये मिलना चाहिए, महिलाओं को वो मिलना चाहिए. एक सशक्त महिला है आप, इंडिपेंडेंट वुमेन है, कॉन्फिडेंट वुमेन है. आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि वॉट डज अ वुमेन वॉन्ट, मतलब आपके हिसाब से, जिस तरीके से लोग बोलते हैं वो चीज़ तो अलग है, बट वॉट डज एक्चुअली वुमेन वॉन्ट. सी बेसिकली फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक BCN एक्चुअली, जो आप लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हर जगह वुमेन पे अत्याचार हो रहा है, जो अब मैंने आकर सुना कि वो चीज़ों पे आपका फोकस, ठीक है वो न्यूज़ शुड बी देयर, बट फोकस ये होना चाहिए, जैसे हम एक बच्चे को होता है, हम हर चीज़ में उसको एनकरेज करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो वुमेन्स की वो चीज़ें जो नेगेटिविटी है सोसाइटी में वो ना दिखाते हुए आप लोग एनकरेज करने के लिए आप ऐसे सक्सेसफुल वुमेन्स को दिखा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड. उससे डेफिनेटली वो इंस्पिरेशन मिलती है जब अच्छा दिख रहा है. तो और वुमेन को जो चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, दे आर. तो दे जस्ट हैव टू फील, उनको अपने अंदर की चीज़ें निकालनी है कि वॉट दे वॉन्ट टू डू, बिकॉज दे कैन डू एनीथिंग. तो मतलब यही कि सारी चीज़ों, वो कोई भी चीज़ आराम से इजी आराम से मिल सकती है. हाँ. वो अगर वो चाहती है तो मिल सकती है, कोई नहीं रोक सकता. वही है ना कि हाँ. अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ एक्चुअली हुई है. नहीं, मैंने हर्डल ऐसा नहीं है, हर चीज़ों में हर्डल्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. और ऐसा नहीं है कि मेन को नहीं आते होंगे हर्डल्स, उनको भी आते हैं. हम हमेशा वुमेन्स के लिए ही उनको अंडरपावर समझ के वो बातें करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन आर एम्पावर्ड, और हमने अच्छा उनके बारे में बताएं और अच्छी चीज़ें आएँ, तो डेफिनेटली और भी लोग इंस्पायर होकर उस चीज़ों पे काम करेंगे, बिना डरे काम करेंगे. शीतल जी, और एक सवाल था कि कहीं ना कहीं आपने आपके इंस्पिरेशन के बारे में बता दिया, बट इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट, मतलब अगर आपको पूछा जाए ये सवाल, तो किसका नाम याद आता है? सी दो लोग हैं, एक तो स्टार्टिंग में ही जो बचपन से मुझे नहीं निकलने मिलने वाला था, मेरे घर वालों ने भी बहुत रोका था, तो मेरे पेरेंट्स सपोर्टेड मी टू गो टू आर्किटेक्चर कॉलेज, बिकॉज मेरी 13 सिस्टर्स सारी गर्ल्स कॉलेज में गई, हमको मेरे लिए कोविड कॉलेज में जाना वॉज अ फर्स्ट स्ट्रगल, तो वो मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया. और बाद में डेफिनेटली अभी लाइफ लॉन्ग माई हस्बैंड एंड इन लॉज सारे लोग इतने सपोर्टिंग हैं, यहाँ आके मुझे कभी वो डॉट बहू और बेटी में डिफरेंस समझ में नहीं आया. आई एम हियर ऑल्सो एज अ डॉटर, आई एम वर्किंग,
और मतलब वहां से भी ज्यादा मुझे ऐसे यहाँ पे बीती वाला ये था। ओके, एक आखिरी सवाल शीतल जी आपसे कि जितने भी दर्शक BCN के माध्यम से या फिर जितनी भी महिलाएं लड़कियां आपको देख रही है, उन्हें एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं देना चाहूँगी सारी वुमेंस को कि एज आई सेड कि डोंट आस्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, जस्ट यू वर्क फॉर इट। वट एवर आप जो भी काम कर रही हैं, जस्ट लव इट, और जो भी आपको अच्छा लगता है यू डू दैट, लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव। वही कि लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव, शीतल जी ने कहा। बहुत ही प्यारी सी, ब्यूटिफुल सी, कॉन्फिडेंट सी, मल्टीटास्कर मरिया शीतल जी हमारे साथ थी, जिनके साथ हमने बहुत सारी बातें की। इट वॉज एक्चुअली ग्रेट हैविंग विथ यू टूडे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने की मिली कि कैसे एक वुमन या सारी चीजें आराम से मैनेज कर सकती है। और जी, वो वुमन या वर्ड आई रियली लाइक दैट। यहाँ आकर भी मुझे इतनी सारी गर्ल्स दिखे, आई रियली लाइक, जहाँ पे मुझे गर्ल्स और ये काम करती हुई दिखती है, कॉन्फिडेंट दिखती है, जब वो सारी ये मेल सोसाइटी में होती है। मेरे ऑफिस में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं, आई हैव 7 गर्ल्स, तो आई ऑलवेज मेरा आर्किटेक्चर पार्ट सिखाने से ज़्यादा, बिकॉज दे डू दैट, बट उससे ज़्यादा आई ट्राई टू मेक देम कॉन्फिडेंट ऑन साइट कि आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई हैव फेस दैट कि बहुत लोगों ने डिस्करेज किया था साइट्स पे, पर मैं उन लोगों को उस वे में आई ट्राई टू मेक देम कॉन्फिडेंट कि नहीं, आप कर सकते हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं, आई एम देयर विथ यू। ओके, तो ये थी शीतल जी और बहुत सारी बातें हमने की हमारे आज के इस वाले एपिसोड में, वुमेंस डे स्पेशल में। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी अन्य और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार, थैंक यू दशा, थैंक यू।